यानी इंसान जो है वो जिन को अपने काबू में कर सकता है और इससे काम भी ले सकता है। अब जिन्नात जो है वो तीन किस्म के होते हैं, उनकी तादाद इंसानों से 9 गुना ज़्यादा है। इनकी जो खुराक है वो हड्डी और गोबर है, जैसे वो हदीसे पाक में भी है ना कि वो जिन्नात हुजूर की बारगाह में नात को अपने ताबे करना ये हराम है। तो ये भी है ना कुरान का फैसला कि इनको कोई आंख देख नहीं सकती जिन्नात को, आपके पांव सीधे ही होते हैं, क्या निशानी है, आप जिन्न नहीं है। अगर तो कुरान ने कहा कि अगर इनको इल्मे गैब होता तो इनको तो पता चल जाता कि वो इस दुनिया में दूसरी बीवी होगी, तो फिर पहली बीवी उसके साथ झगड़ा तो कर लेगी, तो जिन्नी के साथ कैसे झगड़ा करेगी जी। तो आप ये बचना चाहते नाजरीन, आपके बाद भी अगर कोई नेक और साथ भैया आपने शादी की ऐड चला दी है लामा साहब, ये हमारा शो देखिए रमजान की बरकत रातें हैं, बरकत वाली रहमतों वाली रात है। और जो है ना आपने सुना नहीं है जो हदीसे पाक है, सहाबा इकराम गए थे तो आज सहाबा इकराम ने जो है वो सूरत फातिहा पढ़ के दम किया था तो बीमारों को शिफा मिल गई थी। अच्छा तो अगला सवाल ये है कि जिन्नात के पास इल्मे गैप भी होता है, क्या ऐसा कुछ है? अच्छा इसमें भी जवाब भाई हम कुरान से देख लेते हैं। कुरान का फैसला है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वो जिन्नात को लगाया तामीर के लिए, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना वो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि उनकी रूह परवाज हो गई, तो वो उन्होंने ना टेक लगाई हुई थी, एक लकड़ी का टना था उसके साथ टेक लगाई हुई थी, और जिन्नात आपको देख रहे थे कि आप खड़े हुए हैं, तो वो जिन्नात काम को लगे हुए थे। काफ़ी अरसा गुजर गया आपकी वफ़ात को, अल्लाह बेहतर जानता कितना अरसा गुजर गया था जो है आपकी वफ़ात को, तो वो जो है ना वो काम को लगे हुए जिन्नात, वो उनको डर था जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो जब अल्लाह ने चाहा तो वो लकड़ी को जब दीमक ने खाया और दीमक ने जब खाया तो वो फिर लकड़ी टूटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लेके आए, तो जिन्नात को पता चला इनकी तो रूह परवाज़ हो चुकी है, ये तो दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। अगर तो कुरान ने कहा कि अगर इनको इल्मे गैब होता तो इनको तो पता चल जाता कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो कुरान ने फरमा दिया कि इल्मे गैब जो है वो जिन्नात के पास नहीं है। नहीं है जी जी, सुभान अल्लाह कितनी अच्छी बात की। लेकिन आज कल लोग बाबों के पास घूम रहे हैं और जिन्नात बता देते हैं फलाह ने जादू किया, फलाह ने तुम्हारे ऊपर ये मसला किया, तो वो उसी के ऊपर अमल करके और उससे दिल में बुग्ज रख लेते हैं कि इसने मेरे ऊपर ये किया, तो अल्लाह अज़्वजल्ला से लोगों को हिदायत अता फरमाए। अब देखे ना इस्तिखारे का हुक्म दिया गया है, तो इस्तिखारे में भी ये नहीं कहा गया कि आप इसके इस पर यकीनी अमल ही कर लें कि ये ऐसा ही है, उसे आप मदद हासिल कर सकते हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा जैसा इस्तिखारे में आया जी, यानी कि वो जन है, गुमान है, गुमान है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है लेकिन यकीन उसके ऊपर पुख्ता नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो आज का हमारा आखिरी सवाल है कि ये थोड़ा सा ज़ाती हो जाएगा, पूछ लो जी, पूछ ले। अच्छा तो आज का सवाल है कि फ़र्ज़ करें एक जिन्नात में फीमेल जिन्नात भी होती होंगी जी, होती हैं हाँ, तो कोई खूबसूरत सी जिन्नी आ जाए जी, वो कैल यानी आ जाए खूबसूरत सी जिन्नी जी, पता चल जाए ये जिन्नी है जी, तो क्या उससे शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं? जिन्नात से शादी करना ये हराम है, हराम है जी, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए हम मसला ये है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक शादी कर लो दूसरी की परमिशन नहीं मिलती है, वैसे इस्लाम में तो चार की परमिशन है ना, अगर ताकत है, अगर तो, नहीं है तो फिर एक ही, ठीक है जी। और अब एक बंदे के अंदर ताकत भी है फिर भी दूसरी नहीं कर सकता, तो चलो कोई जिन्नी आ जाए दूसरी उसके साथ हो जाए, तो आप चाह रहे हैं कि जिन्नी के साथ करके जो मतलब दूसरी बीवी होगी तो फिर पहली बीवी उसके साथ झगड़ा तो कर लेगी, तो जिन्नी के साथ कैसे झगड़ा करेगी जी, तो आप ये बचना चाह रहे हैं जी जी, ऐसा नहीं होगा। असल में अगर आप उससे कर लेते हैं बिलफर्ज कर भी लेते हैं जिन्नी से, तो वो तो आपको उठा के ले जाएगी आपकी बीवी से बच्चों से दूर कर देगी आपको। अच्छा वो उठा भी सकती है जी, आपको उठा के उसकी जहाँ दिल आएगा आपको ले जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, और दो दो साल चार चार साल आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे। अल्लाह नहीं मैं नहीं करता, नहीं अगर आप नहीं, करना मैंने, मैंने नहीं करना, अगर आपने करनी है तो कर ले, अपना शौक पूरा कर ले, कोई मसला नहीं है, आपको दूसरी शादी की तमन्ना है तो कर ले, कोई मसला नहीं है भाई, मेरी पहली नहीं हुई, दुआ करे पहली हो जाए। चले जी नाज़रीन हम दुआ करते हैं जवाद भाई की जो है ना वो जल्दी से शादी हो जाए, फिर आपके लिए कोई नेक और अच्छा रिश्ता जी, नेक साल रिश्ता आप ढूंढे मेरे लिए। चले ठीक है जी, इंशाल्लाह आपके लिए नेक और साल रिश्ता अगर हमारे पास हुआ, अगर किसी भाई ने कहा तो इंशाल्लाह जना जी जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन आपके बाद भी अगर कोई नेक और साल भैया आपने शादी की ऐड चला दी है लामा साहब, ये हमारा शो देखिए रमजान की बरकत रातें हैं, बरकत वाली रहमतों वाली रात है,
और जो है ना इस रात के सदके हो सकता है कि अल्लाह पाक जो है ना आपके नसीब में शादी लिख दे, लिखी तो वही होगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, लेकिन ये कि हो सकता है उसका वक्त जल्दी आ। अच्छा, ये मेरे हाथ में लकीरें हैं, ये देखो शादी की है लकीर। ये देखे जवाब भाई, हाथ दिखाना ये जायज़ ही नहीं है अव्वलन। अच्छा जी, ये हाथ देखने के लिए जो बैठे होते हैं, अगर उनके पास इतना इलम हो तो अपने हाथ की लकीरें देख कर अपना जो वो है उनको पता ना चल जाए क्या उनके हाथ की लकीरों में उन्होंने यही देखा होता कि मैंने सारी ज़िंदगी लोगों के हाथ देखने। अल्लाह अकबर, क्या आपने बात कर जी। तो इसको जो है ना मना फरमाया गया, जायज़ ही नहीं है, जायज़ ही नहीं, जायज़ ही नहीं है। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अपना हाथ दिखाने ये से। जो नजूमी बैठे नजूमी होते हैं, तोते की फाल निकाल जी, ऐसे ही है, ये मना फरमाया गया। तो लामा साहब एक और सवाल है कि शरीर जिन्नात भी होते हैं जी, वो तंग करते हैं, उनसे बचने का कोई हमें जरिया बता दें कि हम क्या करें उनसे हमारी हिफाजत रहे। असल में हदीस पाक का मफहूम है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी ज़िंदगी में सूरत बकरा को शामिल कर लो कि जो जिन्नात और जादूगर हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप अपने घर में सूरत बकरा की तिलावत करना शुरू कर दें। बाद रवायात में ये भी है कि सूरत बकरा कोई शख्स पढ़ता अपने घर में, अगर वो दिन को पढ़ता है तो 3 दिन तक जो है वो जिन्नात और जादूगर उस घर में जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। अगर कोई शख्स रात को पढ़ता है तो 3 रातों तक जो है वो कोई शरीर जिन्नात वगैरह उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, सूरत बकरा इतनी बड़ी सूरत है जी, 2.5 पारे के ऊपर सूरत है, वो पढ़ना कितना मुश्किल होगा, कोई आप बताएं, कोई हट के कोई चीज़ बताएं, कोई मज़ेदार सी बस ऐसे पढ़े तो यूं हो जाए, कोई कमाल की चीज़। देखिए कोई भी चीज़ है जवाब में उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब आप आजकल वो जो है ना कहते हैं कि कोई ऐसा टोटका हो बस जो है ना हम सेकंड लगे और हर चीज़ जो है हमारे बस में हो जाए, बस हम फूंक मारें और हर चीज़ फना हो जाए, ऐसा नहीं है। कुरान जो है हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई का ज़रिया है और हदीस हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई का ज़रिया है। तो कुरान में हमें हदीस में हमें यही कहा गया कि आप सूरत बकरा की तिलावत करें, अगर किसी के घर में जादू हुआ हो तो इसके बारे में यही कि सूरत बकरा पढ़कर जो है वो पानी में दम करके वो दीवारों में जो है चारों कोनों में जो है वो छिड़क दी जाए। तो सूरत बकरा बेहतरीन अमल है। आप बाबों के पास जाते हैं कि मेरे फलां हो गया, जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सबसे बेहतरीन जो आमिल है वो आपके घर में है कुरान। कुरान से अमल लें ना आप, कुरान में सूरत बकरा है, उसके अलावा सूरत नास है, सूरत फलक है, आखिरी जो कुल हैं 4 वो पढ़ें आप, वो पढ़ के फूंकें। किसी पर दम करना है, सहाबा इकराम क्या कौन सा दम करते थे, वो आपने सुना नहीं है जो हदीसे पाक है, सहाबा इकराम गए थे तो सहाबा इकराम ने जो है वो सूरत फातिहा पढ़ के दम किया था तो बीमारों को शिफा मिल गई थी। देखें हम बचपन में सुनते थे कि वो जो तोता होता है ना जी, उसके अंदर जादूगर की जान होती है, उसकी गर्दन मरोड़ दे जादूगर ख़त्म। कोई ऐसा मम्मी डैडी अमल बताएं आप हमारे नाज़रीन को, किधर आप जो है इतनी बड़ी बड़ी सूरतें पढ़वा रहे हैं। नहीं मम्मी डैडी हम आपको क्या बताएं, कुरान बता रहे हैं, कुरान से अच्छी चीज़ है और दुनिया में क्या कायनात में है कोई चीज़ आप मुझे बताएं। बेशक नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई कायनात में कोई किताब है तो बताएं मुझे। नहीं बेशक कोई कुरान की एक लफ्ज़ जैसा कोई लफ्ज़ नहीं है कायनात के अंदर, तो आप कौन से मम्मी डैडी लफ्ज़ की बात करें। कुरान पढ़े ना आप, कुरान को पढ़ कर घर में फूकें आप, सूरत बकरा पढ़ें, सूरत बकरा की तिलावत करें, कुरान की आयात पढ़ें आप घर में, आपके घर में बरकत क्यों नहीं होगी। आप बाबों के पीछे भाग रहे हैं और आजकल के जो बाबे भी हैं जिन्हें कुरान सही नहीं पढ़ना आता वो आपको क्या दम करेंगे। बेशक जी, आप गुस्सा ना हो, बस मैं तो नाज़रीन की मैं, बात नहीं मैं तो नाज़रीन की जुबान बोल रहा था, मैं अपनी जुबान कहाँ पर बोल रहा हूँ। जवाब भाई गुस्से की गुस्सा ना हो, बस बस नहीं नहीं गुस्से वाली बात ही नहीं है, गुस्से की बात नहीं है, बस 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 करे बस, मैंने खत्म करना छोड़ा। असल में हमारी आवाम को ना चस्का पड़ गया कि कोई मम्मी डैडी सी चीज़ होनी चाहिए, कोई बर्गर टाइप चीज़ होनी चाहिए, कोई शवारमे जैसी चीज़ होनी चाहिए जो हम बस जो है ना पढ़ें, या कोई हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम बाबे के पास जाएं, बाबा फूं करे और जो सारा कुछ ख़त्म हो जाए। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा लामा साहब तो खामोश नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने इस पॉडकास्ट को इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। आपने देखा कि जिन्नात कैसे रमज़ान में अपने रोज़े का एहतमाम करते हैं, सहरी अफ्तारी किस तरह से करते हैं, उनके भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें भी मज़ाहिब और नस्लें पाई जाती हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अल्लाह अज़्ज़वजल आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, बरख़ैफ़ आपने ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माज़रत।